हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर आई निक्की तंबोली। भाई वीकेंड का वार था और ऐसे में निक्की ने दिखाया अपना जलवा। लेकिन निक्की क्यों हो गई तेजस्वी को लेकर इमोशनल? क्या ऐसा कह दिया निक्की ने कि तेजस्वी भी इमोशनल हो गई और निक्की भी इमोशनल हो गई? चलिए हम आपको टेली टॉकीज पर बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 के घर के अंदर निक्की तंबोली आती हैं। वैसे तो निक्की प्रतीक सहजपाल को सपोर्ट करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में जब निक्की को कंटेस्टेंट से बात करने का मौका मिलता है तो ऐसे में निक्की तंबोली तेजस्वी से बात करती हैं और तेजस्वी से कहती हैं कि तेजस्वी, तुमको देखकर मुझे बिग बॉस सीजन 13 और 14 दोनों की याद आती है। जहां तुम्हारे अंदर मुझे प्यारी सी शहनाज गिल दिखती है, तो वहीं तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हरकतें अदाएँ रुबिना से मिलती हैं। तुम शहनाज की तरह मस्ती करती हो, दिल की साफ हो, दिल की अच्छी हो, तो वहीं दूसरी तरफ तुम रुबिना की तरह घर में हर किसी का ध्यान रखती हो। तुम्हारे अंदर फॉरगिवनेस है। मैंने देखा कि आज तुमने किस तरह से डोनाल्ड बिस्ट को भी माफ़ कर दिया। ये क्वालिटीज़ रुबिना में थी। मैंने रुबिना से काफ़ी कुछ सीखा है। वो मेरे लिए मेरी बड़ी बहन की तरह है और मैं उससे बहुत अटैच हूँ। तुम्हारे अंदर मुझे इन दोनों कंटेस्टेंट्स की क्वालिटीज़ दिखती हैं, इन दोनों एक्ट्रेसेस की क्वालिटीज़ दिखती हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस शो में काफ़ी आगे जाओगी। बस कभी भी गिव अप मत करना और अपने आप को चेंज मत करना, क्योंकि तुम्हारा यही अंदाज तुम्हें सबका फेवरेट बना देगा। अच्छे लोग हमेशा शो में जीतते हैं और तुम ज़रूर जीतोगी। रुबिना ने मुझे बदला और देखना, तुम भी इस घर में काफ़ी लोगों को बदल दोगी, उनका नज़रिया, उनका अंदाज बदल दोगी। दोस्तों, साफ हो चुका है कि निक्की तंबोली भी अब तेजस्वी की कदरदान हो चुकी हैं। निक्की तंबोली भी अब तेजस्वी को पसंद करने लगी हैं। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।